हे गाइस, वेलकम बैक एक्शन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं कवर करने वाला हूं दुनिया की अनोखी चोरी पर बनी मूवीज को जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी मूवीज आपको लास्ट तक कनेक्ट रखेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो काफ़ी अच्छी मूवी की जानकारी आपसे मिस हो सकती है। और अभी तक दोस्तों हमारे एक्शन प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। तो हमारे काउंटडाउन के जो 5 नंबर पे मूवी आती है, नाउ यू सी मी पार्ट 1, दोस्तों इसके टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं। और फिलहाल मैं इसकी बात कर लेता हूँ, अगर टोटल पार्ट पर वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। 2013 में आई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म थी जिसको IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों 84% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की, तो मूवी में हमें 4 ऐसे जादूगरों को दिखाया जाता है जो अपने शातिर दिमाग से एक इंश्योरेंस कंपनी के मालिक ऑथर से बहुत सारा पैसा लूट लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पकड़ने के लिए FBI एजेंट डिलन और इंटरपोल एजेंट एला दोनों मिलकर पीछा करते हैं। अब वो लोग लास्ट तक उन्हें कैसे पकड़ पाते हैं, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। मूवी बेस्ट है दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। काउंटडाउन की जो 4 नंबर पे मूवी आती है, ओशियन 11 पार्ट 1, दोस्तों इसके टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं। फिलहाल मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 2001 में आई एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर वाली फिल्म थी जिसको IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की, तो मूवी में हमें गैंगस्टर डेनी को दिखाया जाता है जो मास्टरमाइंड प्लान के साथ लास वेगास के 3 फेमस कैसीनो में चोरी करने के लिए 11 लोगों का ग्रुप बनाता है। अब वो लोग इस खतरनाक चोरी को अंजाम कैसे देते हैं, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। कानून के जो 3 नंबर पे मूवी आती है, इनसाइड मैन, 2006 में आई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म थी जिसको IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों 74% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें लाइन की, तो मूवी में हमें एक नॉर्मल शांत इंसान को दिखाया जाता है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मास्टरमाइंड प्लान के साथ मैनहट्टन बैंक को लूटने के लिए प्लान बनाता है। लेकिन डिटेक्टिव उसके प्लान को भंग करने की कोशिश करता है, पर वो डिटेक्टिव की कोशिश को नाकाम कर देता है और उससे हर कदम आगे रहता है। लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब वो बैंक ओनर के काले सच को सबके सामने लाता है। अब वो काला सच क्या है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। काउंटडाउन के जो 2 नंबर पे मूवी आती है, फास्ट एंड 5, दोस्तों ये फास्ट एंड फ्यूरियस का 5वां पार्ट है। अगर इसके टोटल पार्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर मेरे अवेलेबल है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 2011 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म थी जिसको IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों 79% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की, तो मूवी में हमें डोमिनिक टोरेटो यानी डोम को पुलिस वैन में दिखाया जाता है जिसे दूसरी कंट्री ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां उसके दोस्त आकर उसे छुड़ा लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक खतरनाक चोरी को अंजाम देने के लिए निकलते हैं जिसमें वो चलती हुई ट्रेन से कार्स को लूटते हैं। अब वो लोग कार्स को कैसे लूटते हैं और इस चोरी को अंजाम कैसे देते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फाइनली दोस्तों काउंटडाउन के जो 1 नंबर पर मूवी आती है, मैं इसे काफी बार एंजॉय कर चुका हूँ। अगर आपने देखी है फिर भी आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाती है। बात करें दोस्तों, इस मूवी का नाम हो जाता है इंसेप्शन। 2010 में आई एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी जिसको IMDb रेटिंग 8.8 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों 89% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की, तो मूवी में हमें एक कोब नाम के एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जो दूसरे के सपनों में जाकर उनके आइडिया को चुरा लेता है। चीजें तब बदल जाती हैं जब वो अपनी पत्नी की हत्या के बारे में जानने की कोशिश के साथ इंसेप्शन करता है जिसमें एक दूसरे के सपने आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों यही था आज का वीडियो।
अगर वीडियो में कुछ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड मूवी की जानकारी मैं ऐसे ही आपको देता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।